एक पॉइंट जीरो है और दूसरा पॉइंट वन है, जहां पर हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन है जीरो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जैसे यहां पर पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो माइनस एच है और यहां पर क्या है जीरो प्लस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो फंक्शन ये लेंगे टू, यहां पर क्या रखेंगे, पर रखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यहां रख दीजिए इसको, कितना आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो टू जीरो माइनस एच विच इज। कितनी वैल्यू आ गई? जीरो। अब यहां पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, कितना आएगा लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच में वैल्यू क्या आएगी? लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो फोर जीरो प्लस एच, कितना आएगा अगेन जीरो। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब इक्वल्स टू जीरो है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट हमें चेक करना है वो है एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, एट एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए देखिए इसको कैसे चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल्स टू वन वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है? वैल्यू ऑफ फंक्शन है जीरो के। एट एक्स इज इक्वल्स टू वन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? इज इक्वल्स टू जीरो। और राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन पॉजिटिव एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। जब वन प्लस एच रखेंगे वैल्यू क्या है? वन से बड़ी, तो ये फंक्शन होगा लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो फोर वन प्लस एच, वो कितना होगा 4 के इक्वल। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, क्या लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 से छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा यहां पर 0 इंटू 1 माइनस एच की पावर 0, ये वैल्यू 0 आएगी। हमने देखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू वन।